हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए हम देख रहे हैं लेसन 11, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। जो 11 नंबर लेसन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, इसके अंदर से जो काफ़ी पार्ट है वो रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है कि किसी भी तरह की जो रॉ मटेरियल्स होता है, ठीक है, उस रॉ मटेरियल से कुछ जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती है फैक्ट्रीज़ के अंदर, तो वो मैन्युफैक्चरर्स के अंदर आता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो रिड्यूस कर दिया गया है। आयरन स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, ये वाला सारा पार्ट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ एंड ये अदर्स जो है ना, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री, यहाँ वाला ये जो पार्ट है ना, यहाँ तक, ये वाला अभी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान, यहाँ से आपके अभी जो सिलेबस है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो आज हम यहाँ से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर किस तरह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग धंधे हैं, वो बने हैं, ठीक है। राजस्थान इज़ ए बैकवर्ड स्टेट इन इंडस्ट्रीज़ इज़ कम्पेयर्ड अदर स्टेट। देखिए अदर स्टेट को कंपेयर करते हैं तो ये जो है वो बैकवर्ड के अंदर है, मतलब पिछड़ा हुआ है। इट कॉन्ट्रीब्यूट मेयरली 6% ऑफ टोटल इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूटीज 30% इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये जो है ना, देखिए इसका जो है ना बहुत कम पार्ट है GDP के अंदर, मतलब बहुत कम जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर डेवलप हुई है। मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द स्टेट्स एंड बेस्ड ऑन द मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज है वो मिनरल और एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। विच आर सेंट्रलाइज इन अलवर, देखिए कहाँ कहाँ पे है, लोकेशन आपको देखना है कि राजस्थान के अंदर जो मेन इंडस्ट्रीज है वो अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारा, अजमेर एंड पाली डिस्ट्रिक्स, यहाँ पर जो है वो मेन इंडस्ट्रीज़ है। राजस्थान इज़ ए लीडिंग पोजिशन इन जेम ऑर्नामेंट्स, ठीक है, जो जेम्स होते हैं ना, जेम स्टोन्स, तो उनके अंदर लीडिंग पोजिशन है। मार्बल के अंदर इसकी लीडिंग पोजिशन है। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर लीड, जिंक, सॉल्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड ऑयल सीड इंडस्ट्रीज़, तो ये वाले देखिए आपको ध्यान में रखने हैं कि कहाँ कहाँ पर जो राजस्थान है वो लीडिंग पोजिशन पर है। राजस्थान की जो सिचुएशन है वो अच्छी है। देखिए जेम स्टोन्स, ठीक है, जो ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं ना, ज्वेलरी, जेम्स ज्वेलरी, उसके अंदर, ठीक है, मार्बल, सीमेंट, लीड, जिंक, सॉल्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड ऑयल सीड इंडस्ट्री, तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने, इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान। देखिए राजस्थान की जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे फर्स्ट है लीड जिंक इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं सीसा जस्ता इंडस्ट्री, ठीक है। देर आर लार्ज डिपॉजिट ऑफ लैंड लीड एंड जिंक इन द अरावली माउंटेन रेंज इन द स्टेट, सो द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ लीड एंड जिंक हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन जावर। देखिए जो जिंक और लीड जो है वो कहाँ पे, अरावली माउंटेन्स रेंज के अंदर मिलती है, ठीक है, और इसके यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स है वो लगाई गई है। और ये कहाँ पे है, देखिए जावर, देबारी, ये देखिए जावर और देबारी कहाँ है, उदयपुर के अंदर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है, राजपुरा दरीपा एंड रामपुरा दरीपा, ये जो जगह है वहाँ पे जिम और लीड मिलता है। दीज इंडस्ट्रीज़ हैव बीन एस्टेब्लिश्ड नियर माइंस, ये वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इनके माइंस के पास में ही है। रेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज़ ब्रॉट फ्रॉम बनेरा चोट का बरवाड़ा, ठीक है, देखिए बनेड़ा, चोट का बरवा एंड गुढ़ा किशोरडा, ठीक है, देखिए जगहों के नाम है जहाँ से इनको रॉ मटेरियल मिलता है। 95% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंट्री इज़ फ्रॉम राजस्थान, जो जिंक और लीड का जो 95% है वो राजस्थान के अंदर है, तो ये यहाँ पे मेजर इंडस्ट्री के रूप में माना जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि रॉ मटेरियल्स जो होते हैं माइंस के अंदर, जैसे लैंड होती है ना, ज़मीन, उसके अंदर से खोद के निकालते हैं, ठीक है, तो ये जो होते हैं अलग अलग फॉर्म में होते हैं, उसके बाद में उसको मशीनरी जो होती है उसके अंदर जाके इसको अलग अलग किया जाता है,
और फिर उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है, प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्री। देखिए क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड यही आएगा कि कहाँ कौन सी जगह पे कौन सा जो है इंडस्ट्री वो डेवलप कर रहा है और कितना उसका पार्ट है। सीमेंट इंडस्ट्री, राजस्थान स्टैंड लीडिंग इन सीमेंट प्रोडक्शन, राजस्थान सीमेंट प्रोडक्शन में भी लीडिंग है। सीमेंट इंडस्ट्री इन राजस्थान वॉज स्टार्टेड, देखिए इसको अंडरलाइन करना है, ये वन मार्क के क्वेश्चंस में आता है कि ये कहाँ कब स्टार्ट किया गया, 1916 के अंदर, सबसे पहले लाखेरी के अंदर जो बूंदी के अंदर है, ठीक है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो लाखेरी में सबसे पहले जो सीमेंट है वो इंडस्ट्री स्टार्ट की गई। दिस इंडस्ट्री हैज़ सेंट्रलाइज इन सिंगल बेल्ट इन निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी एंड सवाई माधोपुर, ठीक है, यहाँ पे अभी इसको मतलब काम किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर ऑल्सो यूनिट ऑफ सीमेंट प्लांट्स एट अलवर, नागौर, पाली एंड सिरोही। तो यहाँ यहाँ पे सीमेंट्स के और भी प्लांट्स हैं वो लगाए गए हैं। देयर आर 18 लार्ज, 5 मीडियम एंड 130 स्मॉल यूनिट इन द स्टेट्स। देयर आर 6 लार्ज स्केल सीमेंट फैक्ट्री इन चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर ना 6 जो है वो लार्ज सीमेंट फैक्ट्रीज है, जिसकी वजह से चित्तौड़ को सीमेंट सिटी कहा जाता है, ठीक है। तो सीमेंट सिटी किसको कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को। 16% ऑफ टोटल सीमेंट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इज टेकन फ्रॉम राजस्थान, तो पूरी जो इंडिया है उसका 16% जो है वो राजस्थान में होता है। 90% पोर्टलैंड सीमेंट एंड 10% वाइट सीमेंट इज प्रोड्यूस इन द स्टेट। पोर्टलैंड जो नॉर्मल सीमेंट आती है और 10% जो है वो वाइट सीमेंट यहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से जो वर्क करते हैं और उससे कुछ चीज़ें बनाई जाती है ना, उसको हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। जेम क्राफ्टिंग एंड ऑर्नामेंट मेकिंग इज डन इन जयपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा एंड देखिए स्टैटिक आर्टिक्स गुड्स आर मेड इन जयपुर। देखिए जेम क्राफ्ट्स, ठीक है, जो जेम स्टोन्स होते हैं ना उनसे जो क्राफ्ट बनाया जाता है और ऑर्नामेंट जो ज्वेलरी बनाई जाती है जेम्स होते हैं ना उनसे, तो ये कहाँ पे रहता है, जयपुर, प्रतापगढ़ और नाथद्वारा। देखिए प्रतापगढ़ की जो थेवा जिसको बोलते हैं थेवा, ठीक है, तो थेवा जो आर्ट है वो बहुत फेमस है, उसके अंदर जो स्टोन है, जो स्टोन होता है उसके ऊपर जो है वो गोल्ड से डिज़ाइन बनाई जाती है। और जो स्टेट्यू आर्ट की जो मूर्ति कला है, ठीक है, वो कहाँ पे हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और लाख लाख के जो आइटम्स होते हैं, लाख के जो बैंगल्स होते हैं ना, तो वो कहाँ पे मेकिंग वर्किंग डन इन जयपुर एंड जोधपुर, ठीक है। तो देखिए हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, हैंड से जो वर्क करते हैं, जेम क्राफ्ट है, ऑर्नामेंट्स है, जो स्टेट्यू बनाई जाती है और उसके बाद में जो लाख का वर्क है वो जयपुर के अंदर किया जाता है, जयपुर जोधपुर में। डाइंग करना और पेंटिंग करना, डाइंग और प्रिंटिंग और बंदेज वर्क, देखिए आपने जो कपड़े हैं ना उनके ऊपर बंदेज वर्क देखा होगा, तो ये पाली में किया जाता है, बाड़मेर एंड सांगानेर के अंदर किया जाता है। लेदर का आइटम्स जो जोधपुर के अंदर, जयपुर एंड अजमेर एंड बाड़मेर के अंदर बनाए जाते हैं। देखिए हैंडमेड जो हाथ से जो भी वर्क किया जाता है, उससे जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसके लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है मार्बल इंडस्ट्रीज। हाई क्वालिटी मार्बल इज अवेलेबल इन राजस्थान, सो यूनिट्स ऑफ मार्बल कटिंग्स, पॉलिशिंग एंड ग्रेडिंग्स हैव बीन एस्टेब्लिश इन मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़, उदयपुर एंड किशनगढ़। देखिए मकराना का जो मार्बल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको हम लोग संगमरमर बोलते हैं ना, जो ताजमहल जो है वो मकराना के संगमरमर से ही बना हुआ है, तो ये काफ़ी फेमस है। सॉल्ट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। सॉल्ट मेकिंग इन राजस्थान इज़ बीइंग डन फ्रॉम सॉल्ट वाटर सिंस एंशिएंट टाइम्स, पुराने टाइम से ही पानी जो है उससे सॉल्ट बनाया जाता है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ द कंट्री सांभर लेक, ठीक है, कंट्री की जो सबसे बड़ी मतलब बहुत बड़ी जो लेक है वो सांभर लेक है, सांभर झील जिसको बोलते हैं। प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ साल्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज सोडियम सल्फेट इंडस्ट्री इन डीडवाना एंड मैग्नीशियम सल्फेट इंडस्ट्री इन पचपदरा।
देखिए ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना, इनके नाम आपको ध्यान में रखना है। वन लाइनर कोई क्वेश्चन है उसमें पूछा जा सकता है कि सोडियम सल्फेट इंडस्ट्री वो है डिडवाना के अंदर, और मैग्नीशियम सल्फेट इंडस्ट्री है वो पचपदरा, मतलब यहाँ पे जो है वो केमिकल इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, ठीक है। केमिकल जो सॉल्ट होता है वो बनाया जाता है, और जो सॉल्ट की जो सबसे बड़ी जो लेक है वो सांभर लेक है। वूल इंडस्ट्री, इन इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ शिप एंड वूल गिविन एनिमल्स आर रेयर इन एनिम, जो राजस्थान के अंदर जो है ना वूल वाले जो एनिमल्स है वो बहुत ज़्यादा है। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट लोकल लेवल, वूलन रग्स एंड कारपेट्स आर मेड इन बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर एंड पाली। तो यहाँ लोकल लेवल पे इनको वूल यानी रॉ मटेरियल मिल जाता है, और उसकी वजह से यहाँ ये जो एरिया है वहाँ पे कारपेट, रग और वूलन के जो आइटम्स है वो बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना वो हमारे इंडिया की सबसे पुरानी यानी एंसेंट या जिसको प्राइमरी या फर्स्ट बोल सकते हैं इंडस्ट्री है। सबसे पहले जो कपड़ा बनाने का जो काम है ना वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से स्टार्ट हुआ था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन राजस्थान इज इन इट्स इनिशियल स्टेज इन राजस्थान ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम चंबल एंड भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट एंड कॉटन कल्टिवेशंस इन इरीगेट प्लेन्स ऑफ घग्गर। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वो मिल जाती है, और ये प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से कॉटन की जो कल्टिवेशन है, कॉटन की जो खेती है वो बहुत अच्छी तरह से की जाती है, क्योंकि इसको इरीगेशन की ज़रूरत होती थी घग्गर, ठीक है। टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन एस्टैब्लिश इन भीलवाड़ा। देखिए घग्गर क्या होता है, गंगानगर हनुमानगढ़ का जो एरिया है उसको घग्गर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो घग्गर नदी बहती थी पहले, घग्गर रिवर थी, इस वजह से टेक्सटाइल की जो मिल है वो भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर एंड पाली के अंदर है, ठीक है। और जो फर्स्ट जो जो है ना वो भीलवाड़ा के अंदर थी। मशीन्स आर यूज टू रिटेन आर्टिफिशियल मॉइस्चर, 4% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इज डन हियर, ठीक है। 4% वर्क होता है, मेनली सूटिंग एंड शर्टिंग क्लोथ इज प्रोड्यूस हियर। शूटिंग शर्टिंग मतलब जो कपड़े होते हैं ना वो यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। तो कॉटन इंडस्ट्री भी काफ़ी डेवलप्ड है। यहाँ पे ऑयल सीड इंडस्ट्री, देखिए ऑयल सीड जिनसे तेल निकाला जाता है, ठीक है। राजस्थान इज़ द फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री इन ऑयल सीड प्रोडक्शन। देखिए ऑयल सीड प्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट नंबर पे आता है। ऑयल मिल्स ऑफ यहाँ पे जो ऑयल मिल्स है, ग्राउंड एंड मूंगफली, मस्टर्ड, सोयाबीन, अलसी एंड कैस्टर ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट्स आर एस्टेब्लिश इन अलवर, जयपुर, दूसा, कोटा एंड बूंदी। यहाँ पे जो है यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, मशीनरीज है, जिनकी वजह से इन सब का ऑयल यहाँ पे निकाला जाता है। तो ऑयल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है 9 नंबर पे है अदर इंडस्ट्रीज़। देखिए और भी है बहुत सारी इंडस्ट्री, जैसे शुगर मिल्स आर एस्टेब्लिश इन बूंदी, ठीक है, चित्तौड़ एंड भीलवाड़ा। तो शुगर मिल्स कहाँ थी, बूंदी, चित्तौड़ एंड भीलवाड़ा, जहाँ पे शुगर बनाई जाती है। उसके बाद में ग्वारगम मिल्स एट चूरू, जोधपुर एंड बाड़मेर। पेपर इंडस्ट्रीज प्रेजेंट इन घोसुंडा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर एंड बांसवाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये अदर इंडस्ट्रीज़ भी है। तो इंडिया जो है उसके अंदर राजस्थान है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट है इंडस्ट्री एंड पॉल्यूशन। देखिए इंडस्ट्री है तो वो पॉल्यूशंस भी होता है उससे। पॉल्यूशंस क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से जो एटमॉस्फेयर है वो खराब हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हेल्प इन डेवलपिंग द इकोनॉमिक सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम बढ़ता है, ठीक है, प्रोडक्शन अच्छा होता है इस वजह से। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ दे गिव राइज टू सच कंडक्शंस विच हेल्प इन डिस्ट्रक्शंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड नेचर। इसकी वजह से दूसरी तरफ ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन और नेचर जो है उसका नुकसान होता है, ठीक है, उसको काफ़ी नुकसान पहुँचता है। द रीज़न विच एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दिस कंट्री ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड अर्बनाइजेशन रैपिडली सच इज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर एंड सूरत। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है मतलब मशीनरी लगती है और प्रोडक्शन बढ़ता है, तो जो एरियाज जो लोग होते हैं ना उनका
रैपिडली अर्बनाइजेशन होता है, मतलब तेज़ी से जो है शहरीकरण होता है एक तरह से, ठीक है। बड़े बड़े शहर बनते हैं, फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है ना। द लेवल ऑफ वाटर, तो वाटर का जो लेवल होता है, एयर पोल्यूशन इन द सिटीज़ इज़ एक्सट्रीमली हाई। तो इससे जो वाटर एयर जो पोल्यूशंस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है शहरों में। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, देखिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड बना हुआ है कि जिसकी रिपोर्ट के अनुसार जो गंगा है, ठीक है, गंगा जो रिवर है और यमुना जो रिवर है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। देखिए फैक्ट्रीज़ वगैरह होती है, इसके अंदर यही बता रखा है पूरे पैराग्राफ के अंदर। वो आप इस तरह से समझ लीजिए कि जिस तरह से पोल्यूशन होता है, तो इंडस्ट्री जो होती है, जिस तरह से इंडस्ट्री डेवलप करती है, तो वो सारा जो अपना वेस्ट मटेरियल होता है वो फिर कहाँ पे आता है, नदियों के अंदर चला जाता है। उनसे जो स्मोक होता है, उनसे जो गैसेस निकलती है, उससे एयर पोल्यूशन हो जाता है, शहरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि वो लोग जो है वो सांस भी नहीं ले पाते अच्छे से, ठीक है। तो ये बहुत ही नुकसानदायक होता है उनके लिए। तो इसके अंदर जो पॉइजन्स मिक्स हो जाते हैं, जैसे गंगा है वो बहुत ज़्यादा मतलब पॉल्यूटेड हो गई है, यमुना रिवर है उसके अंदर फैक्ट्रियों के पानी को छोड़ देते हैं, जो केमिकल वाटर होता है उसको, तो इसके अंदर से जो पॉइजन्स हो जाता है, हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन, लीड, सल्फर, ठीक है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं ना, ये जो मतलब इनकी जो लेवल होता है वो कम होता जाता है, ठीक है। और ये हमारी जो सॉयल, वाटर और ह्यूमन बॉडी, इन सबको काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। तो ये पॉल्यूशंस के बारे में तो आप लोग एवरी क्लास में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट रीच द ऑर्गेनिक पार्ट द कंट्री थ्रू एयर, वाटर एंड इन्फ्लुएंस द लोकल बायोलॉजिकल सिस्टम विच अफेक्ट द फूड चेन एंड डिस्ट्रॉय सी एनिमल्स एंड वेजिटेशंस। तो देखिए वाटर के थ्रू ये जो सी एनिमल्स हैं वहाँ तक और वेजिटेशंस तक पहुँचते हैं, तो बायोलॉजिकल सिस्टम जो होता है ना, मतलब सी लेवल भी, समुद्र के अंदर की जो लाइफ है वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड ऑर्गेनिक ओशनिक शिप्स, एक्सीडेंट्स ऑफ ऑयल टैंकर इन सी। देखिए समुद्र के अंदर क्या होता है कि ऑयल के जो टैंकर होते हैं ना, वो लीक हो जाते हैं, उनका जो ऑयल होता है वो सारा का सारा सी समुद्र के अंदर फैलता जाता है, तो जिसकी वजह से जो सी वाटर होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, और वहाँ पे जो रहने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं ना, वाटर एनिमल्स, वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको नुकसान पहुँचता है। ये देखिए इसमें किस तरह से दिखा रखा है कि किस तरह से ये जो नाले हैं इसके अंदर शेवरेज वाला सिस्टम है, ये रिवर के अंदर छोड़ रहे हैं, ये नॉइज़ पॉल्यूशन है, ये फैक्ट्रीज है जिसके अंदर से स्मोक निकल रहा है, तो एयर पॉल्यूटेड हो रही है, और इसकी वजह से ही जो पॉल्यूटेड ये जो स्मोकी एयर हो, देखिए ये स्मोकी होता है ना, तो इस धुएँ की वजह से ही जो रेन जो होती है ना, एसिड रेन वो होती है। एसिड रेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपके दे रखे हैं, ड्यू टू एसिड रेन, ठीक है। तो ये जो सारी की चीज़ें होती है ना, वो एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, और उसके बाद में जो वाटर वेपर होता है, और ये उसके साथ में मिक्स हो जाता है, और उसके बाद में एसिड के रूप में नीचे आ जाता है, ठीक है। ये जो पॉइजन्स होता है, ये काफ़ी हार्मफुल होता है हमारे लाइफ के लिए। तो देखिए ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसके अंदर दो टॉपिक थे, एक तो राजस्थान से रिलेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो भी इंडस्ट्री है राजस्थान के अंदर, और एक जो है वो पॉल्यूशंस, ठीक है। तो इंडस्ट्री से किस तरह से पॉल्यूशन होता है, ये आप लोगों को देखना है। तो आई होप आपको एक चैप्टर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।